हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आपको कहाँ लेके आए, कोई नई जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। दोस्तों अब हम जा रहे हैं राष्ट्रीय संग्रहालय में। चलिए आइए देखते हैं क्या है इधर, आ जाइए। चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन सब के बारे में, इन थीम के ऊपर यहाँ पे कुछ बनाया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा अपन यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। ये एक राजस्थानी चारपाई है, तो मैं, संजू और कवि थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से, अंदर चल के पता चलेगा ये कौन सा राज्य का है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये खम्मा घानी साहब, इधर एक ताऊ बैठे हैं, सामने हुक्का है और हुक्का पी रहे हैं, ऊपर झूमर लगा हुआ और बैठ के ऊपर आराम से मस्ती से हुक्का पीते हुए। तो आप लोगों को पता होगा राजस्थानी कल्चर में हुक्का सबसे फेमस है। तो ये देखिए साह हुक्का लेके बैठे हैं, राठौर साह जो भी है, चौधरी साह जो भी आप बोलो, चौधरी साहब। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान विलेज का बताया गया है सारा। ये देखिए राजस्थान कल्चर, ये यहाँ पे देखिए ये ज्योतिषी बैठे हैं और यहाँ पे ये पूछते हुए भविष्य दर्शन कर रहे हैं, हाथ देख के। चलिए नेक्स्ट कुटिया में क्या है आप? राम राम सा। ये यहाँ पे राम राम सा चौधरी साहब बैठे हैं। इस कुटिया में क्या है? इस कुटिया में कुछ नहीं, चित्रकारी करा है। हमारी लैंग्वेज में जुप्पा बोलते हैं। हाँ जुप्पा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ऊपर वो ये देखो जुप्पे लगे हुए हैं। हाँ, ये इस चीज के लिए इसको जुप्पा बोलते हैं हमारे। जुप्पा या झोपड़ी बोल दो, झोपड़ी दोनों चीजें बोलते हैं। इस झोपड़ी में ये देखे यहाँ पे चित्रकला हो रही है, पत्थर को तोड़ के बनाते हैं ना, घड़के, घड़ाई का काम कर रहे हैं यहाँ, घड़के बना रहे हैं पूरा मूर्ति वगैरह। चलिए नेक्स्ट झोपड़ी में दिखाते हैं आपको क्या है। तो दोस्तों आइए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या। ये देखिए पहले के जमाने में ऐसे घरोंदे होते थे और ये आंगन पहले गोबर से लिपा जाता था यहाँ पे, और ऐसी ये चित्रकला करते थे दीवारों पे। आजकल तो ये कलर वलर आ गए, पहले ये चित्रकला होती थी। और ये जो आप देख रहे हो ये बल्ब वगैरह के लिए लगाए जाते ऊपर, ताकि सेफ्टी के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा घास का वो झोपड़ी वर्क है पूरा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये एक घर सा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक घर है और गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। गणेश जी का घर है ये, गणेश जी की मतलब पूरे मंदिर बनाते थे तो पहले के टाइप में ऐसे मंदिर बनते थे गणेश जी के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक झोपड़ी टाइप ही है, ये भी एक झोपड़ी टाइप में ही है घरोंदा। ये देखिए पहले के बच्चे ऐसे खेला करते थे, टायर चला के खेलते थे, कौन से गेम मिलते थे पहले, तो ये टायर का कॉन्सेप्ट। और ये डॉगी बैठा है। और ये यहाँ पे देखिए आपको एक घर दिखाते हैं। इस घर में देखिए माँ सुला रही है बच्चे को, बच्चे को पहले ऐसे सुलाते थे एक कपड़ा बांध के, फिर उसको झूला झुलाते थे। और उधर वो काम कर रहे हैं इनके हस्बैंड, और आटा ओसन के रखा हुआ है और वो बच्चे को सुला रही है। और वो चूल्हा है, चूल्हा वगैरह, ये एक घर है किसी का, ये राजस्थानी रहन सहन ऐसा। और ये जूती गाटते हुए मोची बोल दो। और इस घर में देखिए एक तरफ बच्चे को खाना खिला रही है माँ और दूसरी तरफ आटा गूंद रही है। पहले आटा चक्की ऐसे होती थी, आटा पीसने वाली, दूसरी तरफ आटा पीस रही है, जो आटा चक्की पहले ऐसी होती थी। चलिए आगे देखते हैं। आग जला रहा है उसके अंदर, फूक मार रहा है फूकनी से सिगड़ी के अंदर, और ये हुक्का भरने के लिए किया जा रहा है सारा। यहाँ पे बैठ के बातें शाते करेंगे और प्रोग्राम वगैरह जो भी इनका होता था पहले जमाने में। नेक्स्ट यहाँ पे दो लेडीज देखिए बातें कर रही है और बेबी को दूध पिलाते हुए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये फिर से एक घरोंदा बताया गया है, चौक पूरा, यहाँ पे ऐसे चौक बना करता था और आगे चारपाई रखती है करते थे। ये बेबी को नहलाते हुए का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और ये एक घर है इनका,
और बाहर ऐसे नहलाते थे बच्चों को। तो पहले के है ना कच्चे मकान, तो दोस्तों पहले कच्चे मकान होते थे जो कि गोबर से और मिट्टी से बनाए जाते थे। इसमें कोई ईंट वगैरह नहीं होती थी पहले का। और ये देखिए पूरा कल्चर है राजस्थान लुक पूरा, जो कि ऊंट वगैरह और यहाँ पे ये। तो चलिए पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर में, और ये इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है लद्दाख वगैरह। तो चलिए ये पूरा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जम्मू कश्मीर का कल्चर बता रखा है इसमें। ये यहाँ पे देखिए व्हील चेयर है, और ये यहाँ पे पहले का साउंड ऐसे सिस्टम होता था गाने सुनने के लिए, और ये टेलीफोन वगैरह इस टाइप के होते थे। ये बेड वगैरह पूरा जम्मू कश्मीर का कल्चर दिखा रखा है पूरा एक रूम में। तो ये सब कुछ है। चलिए अब नेक्स्ट, तो ये दोस्तों सिक्किम कल्चर का है पूरा। यहाँ पे अंदर से आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज है। बुद्धा, देखिए सिक्किम में क्या होता था, बुद्धा जी की पूजा होती थी। तो ये यहाँ पे बुद्धा जी विराजमान है, उनका टेम्पल बना रखा है। और ये यहाँ पे देखिए यूज होने वाले बर्तन, बर्तन यूज होते थे, जो एक छोटा सा किचन डेकोर करके यहाँ पे बता रखा है। ये मिट्टी के बर्तन थे शायद। और दूसरी साइड ये वहाँ की यूज होने वाली टोपी पहनावा, जो पहनावा पहनते थे सिक्किम के लोग, वो है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल का कल्चर का बता रखा है यहाँ पे। तो ये भील वेस्ट बंगाल का कल्चर देख के आते हैं अंदर से क्या था। इनकी कलाकारी देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर है। और ये इसके अंदर देखिए यहाँ पे मटके वगैरह रखने के लिए। गुजरात का देखते हैं, गुजरात में क्या क्या था, गुजरात का कॉन्सेप्ट ये कुछ ऐसे रहन सहन। ये झूला होता था, और ये गुजराती लेडी, ये किचन है पूरा गुजरात का। देखिए कुछ ऐसा है, और ये बेड ऐसे होते हैं गुजरातियों के, और ये पालने वगैरह ऐसा कुछ। तो ये सामने केरला का है, और यहाँ पौंडीचेरी का है, और आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं और भी राज्य। ये महाराष्ट्र का दिख रहा है आप लोगों को येलो रेड में, और आगे और भी है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 राज्य, जो मेन 9 राज्य होते हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम अब आ गए कलाग्राम में, राजस्थान के कलाग्राम। यहाँ पे आपको आइटम्स मिलेंगे जो भी राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड होते हैं वो सारे। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रिंटिंग, राजस्थानी प्रिंट है यहाँ पे, प्रिंटिंग का सारा है। ये यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपने दुपट्टे वगैरह, खुद के डिजाइन प्रिंट करवा के ले जा सकते हो। इनके पास बहुत सारे डिजाइन प्रिंट किए हुए भी हैं, और आप भी प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं। ये राजस्थानी प्रिंट का सारा यहाँ पे है, प्लाजो कुर्ता जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। स्कर्ट वगैरह पूरा राजस्थानी टच में, ये देखिए इस टाइप में बोर्ड्स पिछुआ आइटम, ये लोग खुद भी बनाते हैं सारा, हैंडवर्क है। ये देखिए राम राम सा, पूरा हैंडवर्क है इनका, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स है। देखिए क्या हाथी, देखो कितनी सुंदर सुंदर कलाकृति है। आप कभी भी विजिट करें, अगर आपको घर डेकोर के लिए लेनी हो तो आप ले सकते हो यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर है। ये ताजमहल देखिए, पूरी बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति है। ये एक धागे का वर्क है पूरा, बहुत ही सुंदर सुंदर वर्क है। ये देखिए कार्टून वर्क, चमड़े का और धागे का पूरा वर्क है, कितना सुंदर वर्क बना रखा है इन्होंने। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर हाथ से वर्क किया हुआ है पूरा, और पैरट्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, पूरा डेकोर के लिए है यहाँ पे। वो मोर देखिए कितने सुंदर है, और ये वाला भी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको होम डेकोर की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए पूरा गणपति के हर वैरायटी, हर फ्लेवर मिलेंगे यहाँ पे कलाग्राम में बनी हुई है।
ये इन्होंने खुद ने बनाई है, मतलब आपकी खुद की बनाई हुई है। प्रोडक्शन है, हाँ। महिला आती है सुबह इसको बनाती है। अच्छा, अगर आप ये लोगे ना तो इसमें क्या है कि बार कोड स्कैनर है, हाँ। इससे हम हमारी कलाग्राम की पूरी वेबसाइट देख सकते हो। अच्छा, हाँ। और जैसे रोज की है, हाँ। जूही की, अलग अलग प्रकार की आपको। अच्छा, मतलब ये सारी आपकी होम मेड ही है, आप लोग ही खुद ही बनाते हो इसके मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, हर फ्लेवर है आपके पास, मतलब हर कलर के। फुल मेडिटेशन के लिए, हाँ। ये बाउल है, हाँ। इसको आप अगर जैसे, अच्छा, मेडिटेशन वगैरह इजीली, हाँ। ओके। और इसके साथ अपने मीनाकारी वर्क है, ये वाला, हाँ। ये पिकॉक वाला, ये मेटल के ऊपर, इसको पहले मेटल के फ्रेम काटा जाता है, हाँ। फिर इसके ऊपर क्या होता है कि ये कोण वर्क के जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, कोण वर्क। फिर इसके ऊपर ये स्टोन वगैरह, ये जो, अच्छा, मोती का वर्क, मोती चिपका जाता है, हाँ हाँ। ये सब मेटल है, ये पूरा मेटल है, मतलब वुड नहीं है, पूरा मेटल का वर्क है ये, हाँ। ये मेटल है पूरा। अच्छा, और एक ये है ग्लेट मेटल, ग्लेट मेटल, ग्लेट, ग्लेट, ये किस, कौन सा मेटल होता है? इसमें कॉपर प्लस ब्रस ब्रास का मिक्स होता है। अच्छा, मिक्सअप है। अच्छा, साउंड होगा पर टूटेगा नहीं, मजबूत है, टूटेगा नहीं। ओके। इसमें क्या होता है कि जैसे सांचा होता है, हाँ, उसमें मेटल भरी जाती है, हाँ। ये क्या लाइट वेट होता है, हाँ हाँ, लाइट वेट, ब्रास की तरह वर्क होता है, लेकिन ब्रास का अपन इसको यानी कि दूसरा मान सकते हैं, ब्रास का ऑप्शन मान सकते हैं, हाँ। ओके। ये है, ये मीनाकारी वर्क में आता है, हाँ। इसमें क्या प्लास्टिक की मेटल को पिघला कर इसको वाटर प्रूफ किया जाता है। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार के, वुडन में है, ये वुडन में है, वुड का है, लेकिन लग नहीं रहा वुड का है ये, मोती लगा है, हाँ हाँ। जय श्री श्याम। और ये भी मोती वैसे बनी हुई है। अच्छा, ये, हाँ, हैंडमेड। और ये टोटल अपना ब्रास वर्क है, हाँ। इसमें ब्रास वर्क में राम दरबार है, हाँ, ये राम दरबार, हाँ, राम दरबार। ये देखिए, ये ओरिजिनल ब्रास है, ओरिजिनल ब्रास मिलेगा आपको इन भैया के पास। ब्रास वर्क, आपकी शॉप का नाम भी बता दीजिए एक बार। शॉप अपनी ये गोल्ड, यानी गोल्ड एंड स्पिरिचुअल आइटम। अच्छा, गोल्ड एंड स्पिरिचुअल आइटम की शॉप है इनकी। आप यहाँ पे आए चौकी डाली में तो इनकी शॉप पे जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आइटम है, हाँ। खुद ही बनाते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते आप, देखिए कितना सुंदर, बहुत भारी है, हैवी है। और ये गौतम बुद्ध है, ये अलग अलग प्रकार की, यानी कि प्योर ब्रास में ही, कोई मिक्स नहीं है, प्योर ब्रास का है ये आइटम आपके पास। ये गणपति बाबा है, गणपति, हाँ, ये गणपति जी महाराज, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति जी। और ये पंचमुखी हनुमान जी। अच्छा, पंचमुखी हनुमान जी, ब्रास मेटल में, ब्रास और मेटल मिक्स है इसमें, ब्रास ब्रास है, धातु मेटल धातु होती है, हाँ, का यानी कंप्लीट, अच्छा, प्योर 100% ब्रास है। ओके, ये क्या प्राइस होती है इनकी, प्राइस रेंज? ये मैडम शुरुआत होती है 430 से स्टार्ट है, 430 से और लास्ट, लास्ट है इसका 10,000 तक है शुरुआत, 430 से लेके 430। ये बालाजी, ये हनुमान जी, ये लाइट वर्क होते हैं, हाँ, और लुकिंग ब्रास की आती है, हाँ हाँ, वर्क होता है, बहुत सुंदर वर्क है आपका, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं, फर्स्ट टाइम आपके पास देखे। ये विष्णुदेव जी, विष्णु जी, हाँ, इसमें पूरा आप लगाओगे तो लाइट वगैरह लगा के इसको डेकोरेट करके, अच्छा, बहुत अच्छे लगेगा। अच्छा, लाइटिंग वगैरह के, हाँ, साथ डेकोरेट होंगे तो और भी खिलके आएंगे, घर में सुख रहते हैं। ये मीनाकारी वर्क है, हाँ, ये पीकॉक पे, ये मेटल है, हाँ, ये मेटल है, वुड नहीं है, पूरा मेटल का, इसके मेटल के मोती लगे हुए हैं, गिर भी जाए तो कोई दुख नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मीनाकारी वर्क, हाँ। कहीं कहीं पे क्या होता है कि वुड का होता है, ये पूरा जो जल है, ये सब ब्रास के, हाँ, ब्रास के दिए, ये सारे देखिए झालर वाले दिए, स्टोन का है, वाइट स्टोन, हाँ, जैसे संगमरमर का, संगमरमर, मकराना का है ये पूरा, इसको कलर के लगता है, ये हैंडमेड मूर्तियां हैं, मशीन से नहीं बनी जाती, आप हाथ से तराशते हो इन्हें, हाँ, हम बनवाते हैं, हमारे जो आर्ट कलाकार हैं वो बनाते हैं इसको, अच्छा, टीम होती है वो बनाती है। और
ये भी एक तरह का मेटल है, इटैलिक मेटल आता है। अच्छा, ये मेटल है पर बिल्कुल स्टोन वर्क लग रहा है, स्टोन के लिए की तरह से बनाया गया। हाँ हाँ, ये किस चीज के बना है? अच्छा, इसमें भी जैसे मेटल लेकिन इस्लामिक मिक्स किया गया है इसके अंदर। अच्छा, लड्डू गोपाल में। हाँ हाँ, अलग अलग प्रकार का वैरायटी, कृष्ण जी सब कुछ है, लक्ष्मी जी, और ये ब्लैक मार्बल में बुद्धा जी देखे, और शिवलिंग बुद्धा जी, गणेश जी, अलग अलग प्रकार की मूर्ति है। हाँ, ये यहाँ पे ये भी अपने शिव जी। हाँ, स्टोन कौन सा स्टोन है ये जो अपने कराची में होता है? अच्छा, कराची स्टोन है ये। तो मतलब यहाँ पे सारा आपका हैंड वर्क है, कोई भी मशीन वर्क नहीं है आपके पास? और ये सॉफ्ट स्टोन है। अच्छा, सॉफ्ट स्टोन बने हुए हैं। हम्म, ये क्या आसानी से मूर्ति बनाने के लिए एक आइडियल होता है पत्थर। हाँ हाँ, किसी प्रकार के इसको कारो कर सकते हो आप। अच्छा, ये टूटेगा नहीं, मतलब सीखने के लिए सबसे बेस्ट ये है, पहला पत्थर अच्छी होती है और फिनिशिंग अच्छी आती है इसके अंदर। पत्थर है, पत्थर में इतनी अच्छी फिनिशिंग है कि वो सॉफ्ट स्टोन में आती है। अच्छा, ये एकदम सॉफ्ट होता है, वो आराम से इसमें आकृति बनाई जा सकती है। ओके, बाकी ये जो ब्रास का है, ये व्हाइट मेटल है। हाँ हाँ, व्हाइट मेटल बनाते हैं, जैसे व्हाइट मेटल का गणेश जी व्हाइट मेटल के, कृष्ण है ये आप लोटा तुलसी वगैरह का, या पानी डालना हो। हाँ, या अभिषेक करना हो। हाँ, इसको उपयोग कर सकते हो। ओके, अलग अलग प्रकार के इसमें कैंडल स्टैंड है, सब तरह के। ओके, इनके पास सब चीज़ मिलेगी, आप एक बार यहाँ पे आए ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू सर। ये यहाँ पे इनके पास पूरा वुडन का वर्क है, इसमें अलग अलग प्रकार की आम की लकड़ी है। अच्छा, शीशम की लकड़ी है। आम की लकड़ी क्या होती है, वाइट हल्की होती है, लाइट वेट होती है। हाँ हाँ, आम की लकड़ी। हाँ हाँ, आम की लकड़ी का लाइट वेट होती है। अच्छा जी, वो थोड़ा इसमें वाइट वाइटनेस होता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, दिखती है। और ये होती है शीशम की लकड़ी। अच्छा, शीशम का चकड़ा है। हाँ, इनको जब बनाने से पहले इसे क्या करते हैं, पानी में गला देते हैं इनको जी, तो इसकी एटन वगैरह सब निकल जाती है, गर्म करते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद ये इसमें केमिकल में डुबो जाता है। अच्छा, ताकि ये शाइनिंग आ जाए। अच्छा, दिमाग नहीं लगे, दिमाग लगे नहीं बिल्कुल। टी कोस्टर अलग अलग प्रकार के। अच्छा जी, ऐसे टी कोस्टर हैं ये अलग अलग तरह के, इसमें आप ऐसे डाल के ये हंस के अंदर बिल्कुल अलग अलग डिजाइन में, सारे अलग अलग डिजाइन में। ये अपने की होल्डर्स हैं, की होल्डर्स। हाँ, की होल्डर है। हाँ हाँ हाँ, ये जो होती है ये क्या है कि हैंड पेंटिंग है। अच्छा, और जो इसके ऊपर मीनाकारी वर्क हुआ है। अच्छा, मीना कुमारी, मीनाकारी वर्क है जयपुर का फेमस। हाँ, फेमस होता है कि जैसे मीना कुंदन मीना, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो मोती वगैरह स्टोन वगैरह होते हैं, चमकने डायमंड वगैरह, उनको इसमें लगाया जाता है, सब हाथ से होता है। ये फर्नीचर कोण वर्क का है, यानी कि कलर के हिसाब से कोण किया जाता है, ये जो वर्क हुआ ना उभरा वाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोण वर्क है, ये हैंड पेंटिंग है। हैंड पेंटिंग, कोई स्टिकर नहीं है इसमें, हाथों से बनाई गई पेंटिंग है। पेंटिंग है पूरी। इसी में घड़ियां घड़ियां है, मोबाइल, ये अपने रिमोट स्टैंड है, रिमोट स्टैंड आ गया, ये भी है, ये हैंड पेंटिंग है, मैगजीन होल्डर वगैरह। हाँ हाँ, मैगजीन होल्डर, प्राचीन काल में जो फोन चलते थे। अच्छा हाँ, ये भी है बिल्कुल, फोन है, यहाँ से आप डायलिंग कर सकते हैं इसे। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से वर्क करता है पूरा? हाँ, ये वर्क करता है, इसमें आपको लैंडलाइन कनेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही यानी कि एंटिक पीस है, एंटिक पीस है बिल्कुल। और ये चपाती बॉक्स है, अलग अलग तरह फ्लावर पॉट है। हाँ, फ्लावर पॉट आ गए, ये डेकोरेशन के आइटम, ये भी फोन है। अगर आप एंटिक लुक देना चाहते हो, इसमें लैंडलाइन कनेक्शन होता है बैक साइड में। हाँ, लैंडलाइन कनेक्शन होता है इसमें, जैसे डायल टोन आती है तो ये इसमें डिस्प्ले काम करने लग जाती है। और ये पुश बटन है, यहाँ से बटन 1 2 3 ऐसा पुश। जी जी, बाकी ये चारपाई का लुक। हाँ, इसमें आप फ्रूट भी रख सकते हो एज ए लुकिंग डेकोरेटिव। और ये इसमें प्लाई लगाई गई और ये सूत की रस्सी होती है ना, उससे बनाया गया। ये भी आम की लकड़ी का है, आम की लकड़ी का, दिमाग नहीं लगेगी। ये ट्रे वगैरह, ट्रे है एक ही है, ये ट्रे भी, इसमें आप कप रख सकते हो। हाँ, और सर्व कर सकते हो, पकड़ के ले जाओ। हाँ, जूस वगैरह बिल्कुल यूनिक है। फोटो फ्रेम है, ये बैम्बू आर्ट के लगता है, बॉटल बना दी उनके अंदर बोतल, इसमें ठंडा पानी ठंडा रहेगा, गर्म गर्म रहेगा, गर्म गर्म रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा। और ये एकदम लुकिंग अच्छी, गिर गिरेगी, टूटेगी नहीं।
टूटेगी लकड़ी है, कुछ नहीं होगा, लकड़ी है। हाँ प्लास्टिक वगैरह नहीं है, लकड़ी है वो। और ये वो ये अपने जैसे स्प्रे वगैरह लो, कुछ भर लो स्प्रे या फिर सेंडर चार्जर वगैरह भर के उसको आप स्प्रे कर सकते हो। वो भी लकड़ी का, लकड़ी का पूरा बैम्बू है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति के छेद देने के जो बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाले हैंड बैग, ये ट्रे है, ये भी ये आम के लकड़ी की है, ये वाले। हाँ ये शीशम के लकड़ी की, ये शीशम की आ गई है, ये भी ट्रे टाइप में बिल्कुल फिनिशिंग है, पॉलिश की गई है इसके ऊपर। तो हाँ, ये क्या वाटरप्रूफ है, ये ले रहे होगी। और ये की होल्डर है, ये वाले की होल्डर। जैसे इसमें क्या है कि आप ओपन करोगे तो यहाँ की वगैरह, अच्छा हाँ सारी की आ जाएंगे इसके, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप दरवाजे के साइड में से लगा सकते हो ऐसे, बिल्कुल ऑप्शन दे रहा था इसमें। और ये पेंटिंग है, पेंटिंग है, पूरा हैंड प्रिंटिंग है, हैंड प्रिंटिंग। ये वर्क है जोधपुरी कोण वर्क है, अच्छा जी। हाँ कोण वर्क बोलते हैं, टच करोगे आप इसको उभरा हुआ दिखाई दे, बिल्कुल उभरा हुआ है। और ये पेंटिंग है रास्ते में, और अलग अलग तरह के एक ये भी की होल्डर है। हाँ, की हैंग कर सकते हैं नीचे की साइड, छोटा बड़ा हर तरह का मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। ये अपने ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी का। हाँ ये ज्वेलरी बॉक्स छोटी बड़ी हर तरह की मिल जाएगी, बिल्कुल। रोहित मेरा भी ले लेना यार। और ये देखो आप ज्वेलरी बॉक्स, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है, ये शीशम की लकड़ी का। अच्छा जी, हाँ अंदर वो फॉर्म वगैरह लगा दी, हैंड वर्क हुआ है, जाली बनी है, ये हैंड वर्क है। और इसके ऊपर तारकसी वर्क भी है। तारकसी क्या होता है कि जैसे पहले इसमें कर्विंग की जाती है, अच्छा, स्टार को क्या बारीक पत्ती होती है ब्रास की, उसको काट के और दबाया जाता है, फिनिशिंग से इसको प्लेन कर देते हैं। आपको ये मेटल ब्रास मेटल है, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बाउंड्री ब्रास से ताकि ये रखने करने में कटेगी नहीं, ये कोण इसके जो एंगल है ये ब्रास के हैं, टूटेगा फूटेगा, टूटेगा नहीं, काफी समय तक चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हैंड प्रिंटिंग है सब में, ये भी हैंड प्रिंटिंग का है, हैंड प्रिंटिंग। इधर ये देर की जो आजकल चलती है, हाँ। ये भी ये ब्रास में, ये ब्रास का, ये भी ज्वेलरी बॉक्स ही है, आइकन टाइप हाँ। और ये भी ज्वेलरी बॉक्स ही है। हाँ और मात्र नॉर्मली रेट है इसकी, यानी ये आप 150 से स्टार्टिंग है इसकी। अच्छा जी, 150 से आप 1000 वो जैसे अपन लेंगे वैसे मिलता है। और ये मसाला वगैरह के लिए अलग अलग प्रकार के जितने भी अपने वुडन से रिलेटेड आइटम है। और ये डेकोरेशन का ग्लास वगैरह है ना, ये डेकोरेशन के हिसाब से होम फर्निशिंग इसमें आता है ना, होम डेकोर के अंदर आता है, वो सब चीजें आप ले सकते हो। डेट वगैरह, हाँ ये डेट वगैरह देख सकते हो, जैसे यहाँ जून जुलाई अपन लिख सकते हैं, लगा ये चेंज हो जाता है, ये अगस्त हो जाएगा, जो भी चेंज करना चाहो करना चाहो हो जाएगा। अभी क्या आज कितनी 7 है ना, सेवन लगा दो इसको, और ये जीरो जीरो आ जाएगा, बिल्कुल। ये कैट लिया आप जैसे अगर एंटिक लुक देना चाहते हो घर में, तो आप इसमें 100 पीस के हिसाब से रख सकते हो, 100 पीस के हिसाब से। एल्युमिनियम की है, हाँ ये भी टूटेगी नहीं, जब पहले के लोग चाहिए हाँ यूज करते थे पहले, हाँ आजकल तो नहीं करते, 100 पीस के हिसाब से, बिल्कुल। ये स्टील के ग्लास आएंगे इसके साथ, अच्छा मीनाकारी वर्क हुआ है, हाँ 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 पेंटिंग करने के बाद, अच्छा जी। बाकी ये जो वुडन का है ठेला है, हाँ जो ये रन भी हो सकता है, हाँ रन भी हो जाएगा बिल्कुल। ये ओरिजिनल इसके बीएल है, हाँ एक्सेल लगा हुआ, एक्सेल लोहे का है, लोहे का सर। अगर आप जरा सा ऑयल डाल दोगे तो आवाज नहीं करेगा, कहीं दूर तक जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो ना ठेले पे पहले ठेले पे बाजार में सामान वामान रखे जो थे, उस तरह का, बिल्कुल। और ये मनी बैग वगैरह है, अरे टोटली आइटम अपने वुडन का है, वुडन का है, बिल्कुल। ओके सर, ओके जी। ये मेरा छोटा भाई है, नमस्ते जी। ये ब्रास वर्क संभालते हैं, अच्छा जी, एक खुद ही सेल करते हैं। हाँ, अभी आज थोड़ा अभी चाय पीने व्यस्त है, अभी थोड़ा मार्केट डाउन है इस वजह से। अच्छा जी, बिल्कुल। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, वीडियो हमने पूरा चौकी डाली घूम, और आपको दो मटके दिखाया पीछे वो देखे, पूरा चौकी डाली घूम लिया। अब चलते हैं घर की ओर, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।